गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस आर एस आई एस लॉ अकेडमी। माई नेम इज जसप्रीत सिंह। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है डीप ओशन मिशन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि इस मिशन के तहत क्या हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट विल सून स्टार्ट अ मेगा ओशन मिशन दैट इज समुद्रयान। और इस मिशन के तहत क्या है कि जो डीप वाटर्स में मिस्ट्रीज हैं वो इसको अनलॉक करेगा। और इस मिशन के कंप्लीट होते ही इंडिया जो है वो इलाइट क्लब नेशंस यानी कि US, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना इन सबको ज्वाइन कर लेगा। ये सब जो कंट्रीज हैं ये ऑलरेडी इस मिशन को कर चुकी हैं। ये समुद्रयान मिशन है क्या, अब इसके बारे में जानते हैं। समुद्रा स्टैंड फॉर सी इन इंग्लिश, जो कि ओशन, ये मिशन जो है वो ओशन से रिलेटेड है। और इसके तहत एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल व्हीकल जो है जो बनाया गया है वो 3 ह्यूमन बींग्स को इन द वाटर डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स के अंदर लेके जाएगा और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने में हेल्प करेगा। और ये जो व्हीकल बनाया गया है इसमें साइंटिफिक सेंसर्स बहुत सारे लगे हुए हैं जो कि डीप ओशन में एक्सप्लोरेशन करने में हेल्प करेगा। ये देखिए, ये जो मशीन इस तहत ये बनाया गया है इसका नाम मत्स्य 6000 है। और ये जो व्हीकल है ये इंडिजीनियसली डिवेल्प्ड है और ये फैसिलिटेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस को। और इसकी जो काम करने की कैपेसिटी है, एंड्योरेंस कैपेसिटी है, वो 12 आवर्स की है। और इन केस ऑफ एमरजेंसी ये 96 आवर तक समुद्र के अंदर काम कर सकता है। और इस मिशन को लॉन्च करते हुए जो हमारे उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, उन्होंने मेंशन करा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये फैसिलिटेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को। और डीप ओशन में जो नॉन लिविंग रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि पॉलीमेटिक मैग्नीशियम नेड्यूल, गैस हाइड्रेट और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, और ये जो है ये सब अंदर मौजूद होते हैं कोबाल्ट क्रश के। जो कोबाल्ट क्रश है ये वाटर डेप्थ में 1000 मीटर से लेके 5500 मीटर तक होती है। ये देखिए, ये जो है ये नेड्यूल्स हैं जो पॉलीमेट्रिक के नेड्यूल्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं। और ये मिशन अब है जो वो इंडिया के लिए इतना रेलेवेंट क्यों है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक की यूनिक मैरिटाइम बाउंड्री है। जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो लगभग 7517 मीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है और जिसमें 9 कोस्टल स्टेट्स आती हैं और लगभग 1382 आइसलैंड आते हैं। और इस मिशन के तहत जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है, न्यू इंडिया विजन, और इसमें जो मेन हाईलाइट है वो है ब्लू इकोनॉमी। और ये मिशन इस कोर डायमेंशन को भी हेल्प ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये देखिए, जो ये जो हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री है ये लगभग 7517 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है। और अभी ये जो डिवाइस है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसको बनाया किसने है, ये डिवाइस जो है ये बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई बेस है, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और इस मिशन के तहत कुछ ऐसे डिवाइस भी बनाए गए हैं जो कि वाटर डेप्थ में 6000 मीटर के अंदर रिमोटली ऑपरेटेड होंगे। और इनका जो प्राइमरी डिजाइन है वो मैन सबमर्सिबल है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स को बिठा के समुद्र के अंदर भेजा जाएगा। 3 ह्यूमन बींग्स उसमें बैठ सकते हैं जिसका नाम है मत्स्य 6000। और ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये जो है ये हमारा मैन व्हीकल है और ये जो है हमारा मत्स्य 6000 ये जो हमारा रिमोट कंट्रोल व्हीकल है वो है। मैन सबमर्सिबल व्हीकल है वो, इसमें बेनिफिट हमें ये होगा कि डायरेक्टली हमारा फिजिकल अपेयरेंस होगा वहाँ पे। जो रिसर्चर्स हैं वो डीप वाटर में जाके डायरेक्टली इसको अंदर जाके वहाँ पे समुद्र के अंदर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। और ये जो है मिशन, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसरो कर रहा है, IIT मद्रास कर रहा है और हमारा DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सबके अंदर इन्वॉल्व है। मिशन के पोस्ट के बारे में बात की जाए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई थी, वो उसमें जो टोटल बजट है वो है 4077 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 5 साल के लिए एलोकेट करा गया था। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि इसके फर्स्ट फेज की थी 3 साल के लिए 2021 से 24 तक जो उसको एलोकेट करा गया है वो गई है 2823 करोड़ रुपीज़ की।
तो आई होप कि आपको इसके बारे में सारा समझ आ गया होगा, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।